तो स्पेक्ट्रल लाइन सबने की हुई है, जब ट्रांजिशन होती है इलेक्ट्रॉन की अपर से लोअर शेल में, तो अगर मान लो सबसे सबसे ज़्यादा एन इज इक्वल टू वन शेल पे इलेक्ट्रॉन गिरे कहीं से भी, तो स्पेक्ट्रल लाइंस कौन सी निकलती हैं, कौन सी सीरीज होती है, लाइमन सीरीज होती है। तो ये पेपर में पूछा जाता है लाइमन सीरीज बोलेगा वो, और पूछेगा कि कौन सी रेडिएशन निकलती है लाइमन सीरीज में, याद रखना अल्ट्रावायलेट। फिर एन इज इक्वल टू टू में बाल्मर सीरीज है, थ्री में पाश्चन सीरीज है, ब्रैकेट सीरीज है, और इस तरीके से। तो ये सीरीज पूछी जाती हैं, तो ये याद रखना है, केमिस्ट्री से आपने किया हुआ है। तो एन इज इक्वल टू वन का मतलब याद रखना इसमें लाइमन सीरीज है और बाल्मर सीरीज, इन दोनों के ऊपर तो क्वेश्चन आते ही हैं, क्लियर है यहाँ तक। तो ये वर्ड यूज करेगा वो, ये हमने ऑलरेडी किया हुआ है ग्राफ ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, वो न्यूक्लियर फोर्स और एनर्जी का ग्राफ किया हुआ है। अब ये एक ग्राफ है जिसमें न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के बीच में एक ग्राफ बना दिया। देखो कैसे ग्राफ बनाया इसको समझते हैं। इसके अंदर इस ग्राफ में y एक्सिस में ले लिया नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, n से रिप्रेजेंट किया नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, x एक्सिस में लिया नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, z से रिप्रेजेंट किया n z। तो पूरा पीरियोडिक टेबल ले लिया, पूरे पीरियोडिक टेबल में सभी एलिमेंट्स को उठाया, न्यूक्लियस को उठाया, एटम को उठाया, उसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स को काउंट किया और प्लॉटिंग की, प्लॉट करना शुरू कर दिया। तो ये प्लॉटिंग ऐसी आई, ये प्लॉटिंग ऐसी आई, ये जो सेंट्रल लाइन है ये क्या शो कर रही है, n इज इक्वल टू z लाइन, यानी कि जब n और z बराबर है तो मिड पॉइंट्स में पास करेगी। लेकिन जो पीरियोडिक टेबल सेट किया उसमें कुछ ये जो ब्लैक कलर के जो सर्कल देख रहे हो, ये बीच बीच में ब्लैक कलर के ज़्यादा सर्कल्स हैं ये देखो, और कुछ वाइट सर्कल्स हैं। तो जो ब्लैक कलर के सर्कल्स हैं ये स्टेबल न्यूक्लियस हैं, जो पीरियोडिक टेबल है उसमें स्टेबल न्यूक्लियस हैं, और जो वाइट कलर के न्यूक्लियस हैं ये सब अनस्टेबल है। जितनी दूर वाइट कलर के, जितनी दूर इस ब्लैक कलर की लाइन से दूर जाएंगे उतना ही अनस्टेबल आपका न्यूक्लियस होगा। तो ये ग्राफ कहाँ काम आता है, आप मुझे कहते हो कि सर चेक करके बताओ कि एक मान लो न्यूक्लियस है वो कितना स्टेबल है, स्टेबल है भी कि नहीं स्टेबल, तो मैं आपसे एन और जेड पूछ लूँगा, प्लॉटिंग कर लूँगा, अगर तो वो प्लॉटिंग इस लाइन के बीच में आ जाती है कहीं कहीं, मैं कहूँगा स्टेबल लग रहा है, और अगर बहुत ही दूर आ जाती है पक्का अनस्टेबल है, ये टूटेगा ही टूटेगा, इसकी रेडियो एक्टिविटी होगी होगी। तो ये ग्राफ ऐसे काम आता है, तो ग्राफ आपको काफ़ी बुक्स में दिखेगा, तो ये देखने के काम आता है कि स्टेबल है या स्टेबल नहीं है। किसी भी स्पेक्ट्रल सीरीज में याद रखना, अगर ट्रांजिशन टू और वन के बीच में हो रही है, आपका इलेक्ट्रॉन टू नंबर शेल से वन नंबर शेल में आ रहा है, तो यानी कि एन टू माइनस एन वन इज वन, तो उसको बोलते हैं मिनिमम फ्रीक्वेंसी की एनर्जी है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी निकलेगी, एच अल्फा लाइन बोलते हैं उसे। एच अल्फा लाइन का मतलब ट्रांजिशन टू से वन पे हो रही है। अगर ट्रांजिशन टू एन टू माइनस एन वन टू है तो एन इज इक्वल टू थ्री से जैसे वन पे हो रही है, तो ऐसे केस में एच बीटा लाइन है। अगर ट्रांजिशन में डिफरेंस थ्री है, थ्री, तो एच गामा लाइन है, और अगर इन्फिनिटी से आ रहा है इलेक्ट्रॉन फिर तो मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी का केस है, आपको पता है, राइट। तो एनर्जी स्टेट इसको देखते हैं अभी आगे।